डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पृथ्वी में सामाजिक सुधारों के लिए जन्मे थे। 14 अप्रैल को आपका जन्मदिन मनाया जाता है। 1891 में इन्होंने पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया बल्कि अवतार लिया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको रामायण में एक प्रसंग याद आता होगा जिसमें भगवान राम ने केवट को अपना मित्र बनाया और केवट ने बड़ी शिद्दत से भगवान राम की दोस्ती को स्वीकार किया। ये वही दिन है, ये वही केवट है मेरे हिसाब से जो पृथ्वी पर अवतरित हुए और इन्होंने दलित सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को आगे लाने की वकालत की और अपना पूरा जीवन संघर्षमय रहते हुए इनके लिए काम किया। इनके विचारों से पूरी दुनिया सहमत थी, सिर्फ गांधी जी नहीं, पूरी दुनिया। बाबा साहेब का जीवन संघर्ष और सफलता की कहानी है। हर साल 11 करोड़ लोग भीम जयंती के महोत्सव में भाग लेते हैं। इस कोविड-19 के कारण लॉकडाउन है, इसके चलते भीम जयंती स्थगित की गई है। लोग अपने अपने घरों में बाबा साहेब का जन्म सेलिब्रेट करेंगे। आइए सुनते हैं बाबा साहब के संघर्ष और सफलता की कहानी को। बाबा साहेब अंबेडकर, इनका परिवार महार जाति से संबंध रखता था जिसे अछूत माना जाता है। बचपन से ही आर्थिक और सामाजिक भेदभाव देखने वाले अंबेडकर ने विषम परिस्थितियों में पढ़ाई शुरू की। बाल विवाह प्रचलित होने के कारण 1906 में उनकी शादी 9 साल की लड़की रामबाई से हुई। 1908 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। इस कॉलेज में प्रवेश लेने वाले वे पहले दलित जाति के बच्चे थे। 1913 में एमए करने के लिए वे अमेरिका चले गए। अमेरिका में पढ़ाई करना, बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सयाजीराव तृतीय से मासिक वजीफा मिलना, ये सब उनकी सफलता को बयां करता है। 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने एमए की डिग्री ली। 1925 में बाबा साहेब की बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति ने साइमन आयोग के काम करने के लिए नियुक्त किया। इस आयोग का विरोध पूरे भारत में किया गया था। अंबेडकर दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए बहिष्कृत भारत, मूक नायक, जनता आदि नाम के पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र निकालते थे। भारत की आजादी के बाद उन्हें कानून मंत्री बनाया गया। 29 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के संविधान रचना के लिए संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर उनको नियुक्त किया गया। 1991 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल मसौदे को रोकने जाने के लिए अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस मसौदे में उत्तराधिकार विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की बात कही गई थी। 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर और उनके समर्थकों ने पंचशील को अपनाया। इसके आधार पर बौद्ध धर्म उन्होंने ग्रहण किया। अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म के अंदर दलितों को कभी भी उनका अधिकार नहीं मिल सकता है। 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर साहब ब्रह्मलीन हो गए और पूरी दुनिया को इससे एक अभूतपूर्व क्षति पहुंची। 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने 1940 में ही धर्म आधारित राष्ट्र पाकिस्तान की मांग पर आगाह करते हुए कहा था, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो बेशक इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहें पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे के लिए एक खतरा है। इस आधार पर लोकतंत्र के अनुपयुक्त हैं। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। आज से लगभग 80 वर्ष पहले जिस खतरे के प्रति अंबेडकर ने आगाह किया था वो आज भारत के दरवाजे पर पुरजोर तरीके से दस्तक दे रहा है। भले ही संविधान ना बदला गया हो, भारत अभी भी औपचारिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष हो, लेकिन वास्तविक जीवन में हिंदूवादी शक्तियां समाज संस्कृति के साथ राजसत्ता पर भी प्रभावी नियंत्रण कर चुकी हैं। अंबेडकर हर हालत में भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना चाहते थे क्योंकि वे हिंदू जीवन संहिता को पूरी तरह स्वतंत्रता, समता, बंधुता का विरोधी मानते थे।
उनके द्वारा हिंदू राष्ट्र के विरोध का कारण केवल हिंदुओं का मुसलमानों के प्रति नफरत तक सीमित नहीं था। सच तो यह है कि वह हिंदू राष्ट्र को मुसलमानों की तुलना में हिंदुओं के लिए ज़्यादा खतरनाक मानते थे। वे हिंदू राष्ट्र को दलितों और महिलाओं के खिलाफ मानते थे। उन्होंने साफ कहा कि जाति व्यवस्था को बनाए रखने की अनिवार्य शर्त है कि महिलाओं को अंतरजातीय विवाह करने से रोका जाए। इस स्थिति को तोड़ने के लिए हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल उन्होंने पेश किया था, जिसको कि उन्हें रोक दिया गया। उनका मानना था कि इस असमानता के रहते ना तो वास्तविक स्वतंत्रता कायम हो सकती है, ना समता, स्वतंत्रता, समानता के बिना किसी सामाजिक भाईचारे की कल्पना ही की जा सकती है। जातिवादी असमानता हिंदुत्व का प्राण तत्व है। यही बात उन्हें इस नतीजे पर पहुंचाती थी कि हिंदुत्व और लोकतंत्र दो विरोधी छोर पर खड़े हुए। जातिगत असमानता और इसे बनाए रखने के लिए महिलाओं द्वारा वर्ण और जाति से बाहर जीवन साथी चुनने पर नियंत्रण के मामले में हिंदुओं के भीतर कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं आया। सारे तथ्य यही बताते हैं कि हिंदू सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन जाति नहीं, जो उनका मूल आधार है। और अंबेडकर इसके खात्मे के बिना लोकतांत्रिक समाज की कल्पना भी नहीं करते थे। मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने विचार लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विजय दीक्षित।